हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप इन्वायरमेंट हिस्ट्री पे एक लेक्चर लाएंगे डेली, तो हमारा पहला लेक्चर है इन्वायरमेंट्स, उसकी डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन की। तो इन्वायरमेंट्स क्या है, इन्वायरमेंट्स किस भाषा का वर्ड्स है, फ्रेंच। बाकी इन्वोन से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग या इन सर्कल। जो भी सर्कल के चारों तरफ है, यानी कि सर्कल के चारों तरफ जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, वो आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा के का एक वर्ड है इनविनर। इनविनर से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग या सर्कल, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट्स इज ए कॉम्प्लेक्स और मैनी वेरिएबल्स विच सराउंड द मैन एज वेल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट है एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। मैनी वेरिएबल्स हैं जो सराउंड हैं किसके, आदमियों के और जीव जंतुओं के सराउंडिंग में, ठीक है। इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट स्टडी को डिस्क्राइब कर सकते हैं आप इंटर रिलेशनशिप अमोंग द ऑर्गेनिज्म, दिशा आप इकोसिस्टम कहते हैं। इन्वायरमेंट एंड ऑल द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑन अर्थ, इंक्लूडिंग द एटमोसफेयर कंडीशन, फूड चेन, द वाटर साइकिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट आपको यहाँ से डेफिनेशन, ये आपके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी क्या क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टडी क्रिएट कर सकते हो, अवेयरनेस कर सकते हो लोगों के बारे, लोगों को अवेयरनेस कर सकते हो कि इन्वायरमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए, उसको अवेयर कर सकते हैं लोगों के बीच में। दूसरे हैं क्या कि आप नॉलेज अबाउट द इकोलॉजी सिस्टम एंड कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो नॉलेज इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में आप नॉलेज, उसके बारे में क्या कर सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है, उसमें आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पोटेंशियल डेंजर टू द स्पेसीज एंड द प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रोजन इन द एनवायरमेंट। जो पोटेंशियल मतलब डेंजर्स, जो स्पेसीज होती है, कुछ स्पेसीज होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट्स की, उसके पोटेंशियल डेंजर्स को आप समझ सकते हो। टू आइडेंटिफाई द डेवलप द अप्रोप्रिएट एंड इंडिजीनियस इको फ्रेंडली स्किल एंड टेक्निक्स टू वेरियस इन्वायरमेंट इशू। आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, किसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई अपना जो स्किल है, टेक्नोलॉजी है फ्रेंडली, उनको इकोलॉजिकल फ्रेंडली टेक्निक्स को आप आइडेंटिफाई करके उसका यूज कर सकते हो, किसको, किसके विकास में, डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। टीच द सिटीजन्स द नीड ऑफ द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। आप द सिटीजन्स, अच्छा ये कह रहे हैं कि जो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन रिसोर्स है उसका सही तरीके से आप उसका प्रयोग करना सीख सकते हो, ठीक है। इनेबल्स कर सकते हो थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू द प्रैक्टिस। आपका थ्योरेटिकल नॉलेज को आप प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, ठीक है। ये है आपका फ्रेंड्स। उसके बाद है वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज। बहुत सारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसमें वो अलार्म है, हैरिएट द स्पेशली डेवलपिंग इन द कंट्री। वो एक अलार्म देती है, आपको बताती है कि आपकी जो कंट्री है वो विकसित हो रही है, ठीक है। द नेचुरल रिसोर्स इन द अर्थ ऑफ द लिमिटेड। जो नेचुरल रिसोर्स हैं पृथ्वी पर वो क्या है, लिमिटेड है। मैथड एंड टेक्निक्स ऑफ एक्सप्लोरिंग नेचुरल रिसोर्स एंड एडवांस। जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, किसको, एक्सप्लोरिंग नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोरिंग करने के लिए, ठीक है, उन्हें एडवांस हो रही हैं, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। एक नेचुरल रिसोर्स शब्द आया है, नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है कि जो ईश्वर ने या प्रकृति ने हमें क्या दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। प्रकृति ने जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, यानी कि जिसका कोई पैसा नहीं लगता, उसके हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। ओवर एक्सप्लोटिंग ऑफ द रिसोर्स, हमारे जो ओवर एक्सप्लोटिंग रिसोर्स हैं, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हो, यानी कि नो रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जो उनके लिए आगे जनरेशन के लिए नहीं बने हुए हैं, ठीक है। अनप्लान कर सकते हो एक्सप्लेनेशन, उसको क्या कहते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। पोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपका जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, जैसे वाटर है, एयर है, सराउंड है, जो वाटर जो होता है या एयर जो होता है वो आपके इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं।
द पोल्यूशन एंड डिग्रेड द इन्वायरमेंट द हेल्थ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। उसके मतलब जो पोल्यूशन को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है वातावरण से, जो हमारी हेल्थ ऑफ लिविंग थिंग जो है उसको बेहतर बना जा सकते हैं। कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अप्रोप्राइट एक्शन फॉर द इन्वायरमेंट। कुछ कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या खराब होने से बचा जा सकता है, जिससे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड नीडेड टू सेव द बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज एक्सटिंक्शन। यानी कि एजुकेशन और ट्रेनिंग आप ले सकते हो, इसकी ज़रूरत पड़ती है किसको सेव करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए। तो ये है आपका अर्बन एरियाज हैं, कपल लीड विद इंडस्ट्री है, मेजर रिसोर्स है, पोल्यूशन है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके स्कोप में आ जाती हैं। इसको ये आपका स्कोप है। नंबर एंड एरियाज जो है आपका वो शुड भी इंक्रीज होगा। पीपल अडॉप्ट करेंगे अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ को, ठीक है, तो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जी सकेंगे। मोटिवेटेड स्टूडेंट टू गेट द इन्वॉल्व द कम्युनिटी एक्शन। जो मोटिवेटेड स्टूडेंट होंगे वो समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए एक्शन लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे हैं वेरियस इन्वॉल्वमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में। तो ये आपका है। इट इंटीग्रेट द डिफरेंट अप्रोच, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इस तरह के मतलब जो इंटीग्रेटेड डिफरेंट अप्रोच है उनको करेंगे ऑफ द ह्यूमैनिटीज के लिए, मानवता के लिए, ये सारे के सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट स्टडी द की इंस्ट्रूमेंट ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज द नॉलेज वेरियस बिहेवियर लाइफ स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब स्टडी क्या है, की इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं, इन सभी में जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था आपका इन्वायरमेंट डेफिनेशन। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया, डेफिनेशन की बात मैंने बात किया है, इम्पोर्टेंस की मैंने बात किया है, थोड़ा सा इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, और इसको आपके बारे में बात किया। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके एक्सटर्नल एग्जाम में, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि किसी तरह का कोई किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।